press the bell icon on the YouTube app and never miss a... सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काजमी जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद ताड़ा साहब, जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है और खासकर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे बहुत ही जबरदस्त नॉलेज और गहरी पकड़ रखते हैं। और ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के ऊपर, और खासकर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने जो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को मुंह तोड़ जवाब दिया है यूएन में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। जी साजिद ताड़ साहब, बहुत शुक्रिया सर, आज काफी अर्से बाद आ पाए। थैंक यू सो मच। मैं दर हकीकत आरजू, एक तो कंपेन के सिलसिले हमारे इलेक्शन है, आपको पता है 5 नवंबर आसपास है, हमारे इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, उसकी वजह से मेरी ट्रैवलिंग है। आपको पता है कि आई डू वर्क फॉर द ट्रंप कैंपेन, उसमें मुझे निकलना पड़ता है। मैं न्यू ऑर्लियंस में था, आज अभी मैं कोलंबस ओहायो से बोल रहा हूँ आपके साथ, लेकिन आज रात को मैं वापस चला जाऊंगा मैरीलैंड में, फिर मैं अगले कुछ हफ्ते जो है हम रेगुलर करते रहेंगे। लेकिन आज का जो प्रोग्राम है, आज का ब्लॉग जो है, वो मैं आरजू एक सिंध से, उमरकोट से एक हमारे हिंदू पाकिस्तानी है, उनके नाम करना चाहूंगा, प्रेमो कोहली उनका नाम है। आज का ब्लॉग मेरे आज के हीरो प्रेमो कोहली हैं। वो क्यों है ये भी बताऊंगा आपको। प्रेमो कोहली ने क्या किया है, वो ड्राइवर है वहां पे, और उन्होंने डॉक्टर शाहनवाज की डेड बॉडी को बचाया है जिसको आग लगाई जा रही थी। हालांकि हिंदू धर्म के अंदर तो देखें वो चिता को जलाया जाता है, लेकिन प्रेमो कोहली जो है उसको उन्होंने डॉक्टर शाहनवाज की डेड बॉडी को मुसलमानों से बचाया जो उसको जला के राख करना चाहते थे, और उसको किसी तरीके से भी उसकी फैमिली बचा पा नहीं रही। दो वाक्यात हैं जिनके बारे में मैं जिक्र करना जरूरी समझता हूं, मैं बोल नहीं सका इन दो वाक्यात पे। दोनों के अंदर मुसलमान इन्वॉल्व थे, एक क्वेटे का वाक्या है और एक उमरकोट है जहां पे काफी आबादी हिंदू पाकिस्तानियों की है सिंध के अंदर। पहला वाक्या जो है क्वेटा का, वहां पे ब्लास्फेमी का चार्ज था किसी बूढ़े शख्स के ऊपर, और उसको थाने के अंदर बंद किया हुआ था, तो लोग बाहर इकट्ठे थे कि हमारे हवाले किया जाए, हम इसको मारना चाहते हैं। और एक पुलिस वाले ने उनसे कहा कि मैं इससे मिलना चाहता हूं, मैं पुलिस का हूं और मुझे इसकी फैमिली ने भेजा है, अंदर जाके उसने गोली मार दी बगैर किसी गवाही के, बगैर किसी डॉक्टर की रिपोर्ट के, उसकी सेहत कैसी है क्या है। मैं ब्लास्फेमी के लॉ के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, नहीं बोलूंगा, मुझे खुद डर लगता है उस पर बोलने के लिए, लेकिन इन लोगों को क्या अख्तियार था कि खुद ही उसका फैसला करते। मैं वकील हूं, कानून से रिलेटेड हूं, तीसरी जनरेशन से वकील हूं, चौथी जन मेरा लड़का यहां वकील है। बगैर ट्रायल के किसने उसको हक दिया था कि उसको गोली मार दी जाए। फिर जुल्म जो सितम जरीफी है, उससे बड़ी सितम जरीफी कि उस पुलिस ने वाले ने जिसको उसको गोली मारी है, बाहर उसके ऊपर फूलों की बारिश की जा रही, फूलों की बारिश। अब मैं दूसरा वाकया जिसमें मेरा प्रेमो कोहली जो मेरा हीरो है आज, जिसका मैं वाकया करना चाहता हूं, उसमें डॉक्टर शाहनवाज हैं, वहां डॉक्टर थे, एमबीबीएस डॉक्टर, बड़े लिखे इंसान। उनके बारे में एलिगेशन थी कि उन्होंने ब्लास्फेमी के हवाले से फेसबुक के ऊपर कुछ उन्होंने कहा है। वो बंदा मिन्तें करता रहा है कि मैं फेसबुक को इस्तेमाल ही नहीं कर रहा हूं, किसी और ने किया है, मेरा इसके साथ कोई लेना देना नहीं। फिर उसके बाद ये कि वो 5 वक्त का नमाजी था, 5 वक्त नमाज पढ़ता, उसकी बीवी उस बीवी बच्चों के साथ हज भी कर रखा था। फिर उसकी बीवी जो थी वो कहती बच्चों को कुरान भी पढ़ाता रहा है, बल्कि इंसिस्ट कर, और वो मिन्तें करता रहा है कि मेरा इसके साथ कोई लेना देना। उसको मारा गया, उसकी लाश को जला के राख करने की कोशिश की गई, वहां पे भी पुलिस वालों पे फूलों की बारिशें हो रही। मैं एक मुसलमान हूं, मेरा ईमान बहुत स्ट्रांग है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि मैं पैदा होके ही पैदा हुआ था, मैं पैदा भी मुसलमान हुआ था, मरूंगा भी मुसलमान। ये नए किस्म का इस्लाम मेरी समझ से बाहर,
मैंने पिछली दफा भी कई दफा ब्लॉग में कहा है, जिस मजहब का मतलब सलामती हो, सारा दिन सलामती की दुआएं दी जाएं लोगों को, वहां पे इस तरह किया जाता है? ये कौन सा, मैं चले इस्लाम को भी एक मिनट के लिए साइड पर रखते, दुनिया का कौन सा धर्म है मुझे ये बताएं जिसमें ये लिखा गया है कि आप जीते जागते बोलते इंसानों को मार के खुदा को खुश करते हैं? कोई भी खुदा, भगवान हो, वाहे गुरु हो, जीसस हो, गॉड हो, कुछ भी हो, कौन सा ऐसा मजहब है जो आपको इजाजत देता है कि किसी जीती जागती चीज को तकलीफ पहुंचा के आप धर्म का लबादा पहन सकते? ये मैं आज का ब्लॉग जो था, मैं आज प्रेमो कोहली मेरा हीरो है आज, जिसने एक मुसलमान की डेड बॉडी को वहां से बचा के दफनाने में उसकी उनकी, मैं एक तो यहां से शुरू करना चाह रहा था, मेरे दिल के बहुत करीब था, क्योंकि मैं कई दफा जिक्र कर चुका हूं, आज तो मैं किसी भी ऐसे धर्म में बिलीव नहीं करता ना करना चाहूंगा, बल्कि मैं हमेशा ये कहता हूं, अगर आप समझते हैं कि आप अपने धर्म की सेवा, अपने धर्म को पहुंच रहे हैं किसी को तकलीफ पहुंचा के, तो कोई और धर्म ढूंढ ले। धर्मों में ऐसे जो भी धर्म ऐसी तकलीफ करता है, ऐसा प्रीच करता है, वो ग्रो नहीं करता। और दूसरा, आज सबसे बड़ी वजह, मैं ये भी मेरे लिए एक बड़ी बाय से तकलीफ बात है, 2 बिलियन मुसलमान हैं और जलील व ख्वार है। आज आपने देखा होगा कि इस वक्त लेबनान के अंदर हालात क्या हैं, गाजा के अंदर हालात क्या है। मेरा एक कंक्लूजन छोड़ दे, मैं ये नहीं कहूंगा कि उसमें सच कौन है, बुरा उसमें हक पे कौन है, झूठ पे कौन है, सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे अगर देखा जाए तो आपकी तालीम से दूरी, तालीम से। आपने इंग्लिश और मैथ और साइंस और टेक्नोलॉजी का जो बायकॉट कर रखा है पूरे 2 बिलियन मुसलमानों ने, जो अपने बच्चों को मुसलसल सुबह उठते जिहाद की तबलीग आपने शुरू कर रखी, आपको जिहाद कहीं नहीं पता। जिहाद अगर अगर करना ही है, इतना ही सर पे चढ़ के जादू बोल रहा है गुर्बत के खिलाफ, जिहाद जहलियत के खिलाफ जिहाद करना है, तो ये हल नहीं है उसका जो आप कर रहे हैं। नाजायज बच्चे आपके मर रहे हैं, औरतें मर रही, सिर्फ इस वजह से कि आप तालीम से आपका बायकॉट। और अगर आप हिस्ट्री पढ़े तो इराक के अंदर अब्बासियत पीरियड के बाद आपने आपने तालीम और इस रिसर्च के ऊपर आपने तवज्जो नहीं देनी, आपने बायकॉट कर दिया। सर ये तो किसी को इनवाइट भी नहीं करते, सर ये तो किसी एजुकेशनिस्ट को, किसी इकोनॉमिस्ट को इनवाइट भी नहीं करते, इनवाइट करते हैं जाकिर नाइक जैसे लोगों को। उसको भी छोड़ दें, उसमें मैं बताना चाहूंगा मजीद आपको, आज आपकी हालत क्या है सब कॉन्टिनेंट, अब चले उसी में बात कर लेते हैं, आपने जाकिर नाइक साहब की बात कर दी, तो आरजू तर हकीकत आपका सबसे बड़ा अलमिया ये है कि आप रहते यहां पे थे सब कॉन्टिनेंट में, आपको तो पहले जिस तरीके से भी मुसलमान किया गया, जिस तरीके से भी आप मुसलमान हुए, आपकी सब कॉन्टिनेंट में हमदर्दियां नहीं होती थी लोकल, आप खिलाफत टर्किश के पीछे उनको फॉलो करते थे, मैं प्री पार्टीशन की बात कर, आप उनको खलीफा, आप अपने अहकामात वहां से लेते थे टर्की से, ठीक। फिर जब मुगल भाईजान जो कि हमारे थे ही नहीं, लोकल ही नहीं थे, वो पठान थे भाई, आपके हीरो नहीं थे वो, मैं उनको अपना हीरो नहीं समझता, आपने समझना है तो समझ लें। अब तो वो कहना शुरू हो चुके हैं कि अपना नाम भी चेंज कर लो, गौरी भी चेंज करो, गजनबी भी चेंज करो, तुम नहीं हो वो, अब आपको वो पंजाबी समझते हैं, आपको तो अब केपे के सुबह आपके ऊपर हमले को तैयारी कर रहा है, वो कहता है कि पंजाबी आप कुछ और चीज, चलो उसको भी छोड़े। जब आपने, आपका कौमी तराना फारसी में है, ये मैं बताना चाहूंगा आपको, ये गूगल कीजिएगा, मेरे पाकिस्तानी बच्चों से पूछे आपका कौमी तराना किस जबान में है और आपको उसका मतलब क्यों नहीं पता, क्योंकि वो फारसी जबान के अंदर थे, वो उनको जमीनें किसने दी थी, ब्रिटिशों ने दी थी, उनको जमीनें किन्होंने दी थी, मुगलों ने दी थी उनको जमीन, बताए ना, या तो मुझे गलत साबित करें, कहेंगे तुम झूठ बोल रहे हो, तुम गलत बोल रहे हो, मैं लर्न करूंगा, मैं अपने आप को करेक्ट कर लूंगा भाई, मेरे अंदर इतनी मॉरल है जुनत कि मैं अपनी गलती को तस्लीम करके अपने आप को ठीक कर लूंगा, मैं ऐसी बात नहीं कहूंगा कि मैं ही सच बोल रहा हूं, लेकिन मुझे रेफरेंस के साथ मेरे साथ बात करें कि आप 1947 के बाद आपने इस्लाम के लिए कुछ किया हो, मुझे प्रूव कर दें आप, आपने पाकिस्तान की भलाई के लिए कुछ किया हो, मुझे प्रूव कर दें आप, आज भी जो आप कर रहे हैं इसमें आपका कोई फ्यूचर नजर आ रहा है, मुझे प्रूव करें आप,
इसमें से पाकिस्तान बच सकेगा, मुझे प्रूव करें आप। मैं अपने आप को चेंज कर लूंगा, लर्न करूंगा, मैं लर्निंग प्रोसेस है, मेरा लर्निंग प्रोसेस उस दिन खत्म होगा जिस दिन मर जाऊंगा मैं। मैं हर दिन कोई नई चीज सीखता हूँ, नई चीज पढ़ता हूँ, अपने आइडियाज को चेंज, अपने ख्यालात को चेंज कर लेता हूँ। अगर कोई करेक्शन मेरे सामने रखे रेफरेंस के साथ, कोई दलील दे मेरे साथ, मुझे रेफरेंस दे किसी किताब का, किसी रिसर्च का, मैं चेंज कर लेता हूँ। मेरा भी जहन, कई लोग ऐसे, मुझे अभी भी कई लोगों के लिए इतला नर्स है, कई कहते हैं यार इसने 5 साल पहले यार साजिद तारण ने फलान चीज कही थी, और यार मैं पढ़ता हूँ मुसलसल, मेरी ओपिनियन, मेरे ख्यालात चेंज होते हैं, जो जो मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरी जो जो रिसर्च मैं मजीद करता हूँ, मेरी सोचें तब्दील होती हैं। और सोच एक ऐसी चीज होती है बिल्कुल तब्दील। मैं आज से 20-25 साल पहले सब, मेरी सोच सबको बोलते हैं सर, वो हर एक को बोलते हैं, उनकी बात का इतना नोटिस नहीं लेना चाहिए, वो हर बात पे एतराज करते हैं, लेकिन सर राजनाथ सिंह साहब ने जो ऑफर दी पाकिस्तान को, ज्यादा दे सकते थे, उस पर भी मुबारकबाद आने वाली होगी मेरे। नहीं मुबारकबाद नहीं, देखिए उन्होंने एक फंडा, उन्होंने जो राजनाथ साहब ने चीज की है वो एक फंडामेंटल था, वो फंडामेंटल, मैं वो उसके बारे में बात करना चाहिए। अगर आज आप हम इन कॉन्फ्लिक्ट से, चीजों से बचे हुए होते, तो हमें IMF के पैकेज की जरूरत ही नहीं। हमने बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना करके लूट जो मार की अफगानिस्तान में, पैसा बनाया, और वही अब हमारे घर में। हिलरी क्लिंटन आपके पाकिस्तान जाके कह के आ गई थी कि जो सांप पालते हैं अपने बैकयार्ड में वो सांप काटते भी हैं। तो फिर जब वहां पैसा बनाया, फिर कश्मीर के हवाले से हमने हमेशा उसको जिंदा रखा क्योंकि उसमें से पैसे बनते थे। डिफेंस का बजट पाकिस्तान के पूरे बजट से ज्यादा है। राजनाथ साहब तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ना, डिफेंस का बजट कंट्रोल होगा तो हमें IMF के पैसे की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आप बताएं ये किस तरह हो सकता है? पाकिस्तान तो गैरिजन स्टेट है, गैरिजन स्टेट जो होगी वो अपनी डिफेंस पे नहीं पैसे लगाएगी तो तालीम पे लगाएगी, वो किस चीज पे लगाएगी भाई? अच्छा लोग पढ़ जाएंगे, लोग तालीम याफ्ता हो जाएंगे, जिहाद से हट के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जाएंगे तो लोगों का कारोबार किस तरह चलेगा, माफियाज किस तरह चलेंगे, लोगों के बच्चे लंदन में किस तरह पलेंगे बढ़ेंगे भाई, या 300-300 प्रॉपर्टियां लंदन में कैसे बनेंगी, ये भी तो क्वेश्चन है मेरा राजनाथ साहब। राजनाथ साहब अगर आप जो बातें कर रहे हैं, इस तरह दुबई और लंदन के प्लाजे किस तरह बनेंगे, ये भी तो सीक्रेट बता देना हमारे। हमें हम बिल्कुल हमें IMF के पैकेज की जरूरत नहीं थी अगर लंदन और दुबई हमारा डेस्टिनेशन ना हो, ये बिल्कुल आपकी बात। दूसरी बात आज मैं डॉक्टर जयशंकर साहब की करूंगा कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, तकरीर किसी और ने लिखी थी, उन्हें क्या पता है तकरीर में क्या था। उन्होंने कहा है कि इस वक्त गाजा और कश्मीर को उन्होंने एक तरह, उन्होंने कहा कि कश्मीर बिल्कुल गाजा बन चुका है, गाजा है, जिसको डॉक्टर राजनाथ साहब ने रिबट किया। उस पर उन्हें ये नहीं पता वहां पर इलेक्शन हो रहे, वहां मैं हमेशा, मैंने कल परसों किसी जगह बैठा था अमेरिका के अंदर, मेरा एक वाहिद क्वेश्चन था, मुझे आज भी कोई जवाब दे दे कि वहां दूध की नहरें चलने वाली हैं, चल चुकी हैं, माल अब कश्मीर बना रहा है अमार ग्रुप दुबई से आ, उसको काउंटर किस तरह करोगे भाई? अपने कश्मीरियों को किस तरह चुप कराओगे या वहां पे सारा कुछ होगा, क्या करोगे? ये क्वेश्चन है और मैं इसमें बिल्कुल, इसमें कोई गलत बात नहीं है, सोचना चाहिए क्या करोगे वहां पे। डेवलपमेंट का बजट देखा है, 90,000 करोड़ जो जिस तरीके से वहां से बजट लग रहा है वहां, कश्मीर, आप अपने कश्मीरियों को किस तरह चुप कराओगे? ये मैंने अगले दिन यहाँ पे एक ग्रुप जो है कश्मीर से, ग्रुप आया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, मैंने उनसे ये क्वेश्चन किया पाकिस्तान वाली साइड से, कश्मीर से, क्या आप उस वाली कश्मीर, उस दूसरी साइड पे जो डेवलपमेंट के ऊपर पैसा लग रहा है, जो बजट बन रहा है, आप क्या करोगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, चुभता होगा कई पाकिस्तानियों को, चुभेगा ये मेरा सवाल, लेकिन ये हकीकत है, क्या करोगे उसका? फिर दूसरी बात यह है कि गाजा में इलेक्शन हो रहा है, वहां पे तो इलेक्शन हो रहा है, 90 सीटों पे इलेक्शन हो रहा है कश्मीर में, वो कश्मीर सारे सेलिब्रिटी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्वेश्चन है इसमें। ये मैंने, मुझे रिसेंट पता चला था इस बात पर कि कुछ लोगों को इतराज 370 पे है उसका, लेकिन लेट देम डिसाइड। 8 अक्टूबर को उनका शुरू हो जाना था, वो उन्होंने वो सारा काउंटिंग शुरू है, चीजें होंगी कश्मीर के अंदर, लेकिन कश्मीर को गाजा के साथ कंपैरिजन करना, ये गाजा की भी तोहीन है, कश्मीर की भी तोहीन है, इसमें कोई शक नहीं है, ये एक उन्होंने एग्जैजरेट किया है इस चीज़ को, लेकिन उनका कसूर नहीं है, उनका, मैं समझ डॉक्टर जयशंकर साहब को भी चाहिए था कि उसका जवाब ना ही देते, ना उन्होंने लिखी है ना पढ़ी है, उनके हाथ में पेपर किसी CSS अफसर ने या किसी क्लर्क बाबू ने पकड़ाया है कि मियां साहब ये पढ़ दें, एक नहीं बल्कि मुझे तो हर जगह चलाते हैं, वो तो माइक भी फेंक देते हैं ना भुट्टो भाई। आपके सबसे बड़ी बात, यहाँ पे लोगों को भुट्टो बनने का बहुत शौक है, सबसे पहले
मुक्के लहराते थे वो और माइक नीचे गिरा देते थे जुल्फकार अली भट्टो। अब उसी की नकल अली मीर गंडापुर भी करते हैं तो मेरे ये छोटे मियां साहब भी यही करते हैं। हालांकि लोगों को पता है, मुसलसल लोग कैलकुलेट, मैं कई दफा देखा है लोग कहते हैं 2 हफ्ते गवर्नमेंट चलेगी, 45 दिन चलेगी, 30 दिन चलेगी, ये चलेगी वो चलेगी, लेकिन जिस तरीके से हमले शुरू हो चुके हैं पंजाब के ऊपर, हालात खराब। आपके इस वक्त बलोचिस्तान के अंदर 10 जिलों के अंदर ऑलमोस्ट आप हालते जंग में, आप केपीके के अंदर टीटीपी वाले अपने मोटरसाइकिलों गाड़ियों के ऊपर अपने झंडे लहरा के मुसलसल गश्त कर रहे हैं, पुलिस आपके कभी वहां पे स्ट्राइक पे जाती है, कभी कुछ होता है, लेकिन इस तरह चलेगा नहीं जिस तरह आप चला रहे हैं, ये जो चलाने वाले हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काजमी जी और साजिद ताड़ा साहब का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और खासकर उनके पॉजिटिव व्यूज आपको काफी अच्छे लगे होंगे जहां पे आपने देखा इन दोनों ने बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, और खासकर भारतीय विदेश मंत्री ने जो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को मुंह तोड़ जवाब दिया उसके बारे में, और खासकर भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर है यानी राजनाथ सिंह जो उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर स्टेटमेंट दी उसके बारे में। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। जय हिंद जय भारत।